हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार मेहता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बीकॉम सेकंड ईयर की क्लास है और एबीएसटी का फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, जिसमें जो टॉपिक हम ले रहे हैं सबसे पहले आज का वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम ये समझ चुके थे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किसे कहते हैं या कैपिटल गेन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स का कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसे कहते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से चेक करते हैं या किस तरीके से हम देखते हैं कि इस असेट्स पे जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से देखते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी तो किस तरीके से होगी, ये भी हमने आपको देखना बता दिया था। अब उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि हम उस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकें। तो आज का जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। बुरार का परचेज डे पीस ऑफ लैंड मुरार का परचेज द पीस ऑफ लैंड ऑन फिफ्थ जनवरी 1975 ₹4.2 lakh। This land was sold by him on April 12, 2019. ₹4.70 lakh। The market value of land on 1st April 2001 was ₹5 lakh ₹5 lakh ही है। Expenses of transfer were 5% of the sale price. 5% of the sale price. B. If the piece of land was purchased on 10th March 2008
2008 4 रुपीज़ 3 लाख, 4 रुपीज़ 3 लाख, देन हाउ मच, देन हाउ मच वुड हैव बीन द would have been the capital gain. Index Index is 129, 4 year 2007, and 8. C. Is the piece of land if the piece of land was purchased on May 3, 2017. Four rupees twelve lakh. Then how much would have been the capital gain? हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चंस की डिटेल है। क्वेश्चन में आप देखते हैं, यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिख देते हैं क्वेश्चन की, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मुरारका। तो फोर असेसमेंट ईयर 2020 और 2021। तो देखिए, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मुरारका फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 2021। तो 2020 और 2021 के लिए मिस्टर मुरारका की जो इनकम है कैपिटल गेन की, वो आपको कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्यूटेशन
ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मुनारगा फोर असेसमेंट ईयर 2020 और 21। ये हमारा पर्टिकुलर जिसमें हम इनकम की डिटेल लिख लेंगे और ये आ जाता है अमाउंट। अब एक बार चेक कर लिया जाए कि आपको बोर्ड पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर इसमें चेंजेस करने की आवश्यकता हो तो हम अभी कर सकेंगे और आपको, हाँ तो देखिए आपको निश्चित रूप से पूरी तरीके से नज़र आ रहा होगा कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मुरार का फोर असेसमेंट ईयर 2020 और 21। बिल्कुल ये अच्छी बात है और हाँ तो स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पूरा दिख रहा है। तो देखिए कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मुरारका फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 21। तो यहाँ पे मुरारका की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको परफॉर्मा बताया था, सेल्स प्राइस यानी कि सेल्स कंसीडरेशन लिख लेंगे। लेस करेंगे। अब देखिए सेल्स कंसीडरेशन फर्स्ट पॉइंट हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट जनवरी 1975 में परचेज की है, यानी कि 1974 और 75 ईयर में आपने परचेज की है। कितने की? 2 लाख रुपीज़ की लैंड, और 70 लाख में आपने सेल कर दी। सेल कितने में की है? 70 लाख में। और मार्केट वैल्यू आपको गिवन है 1 अप्रैल 2001 को। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए नहीं भी बताया था तो भी हम, अब जैसे जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उनसे रिलेटेड रूल्स उसमें समझते जाएंगे। कोई भी असेट्स हो अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की है, कोई भी असेट्स हो 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की है, तो उस असेट्स की मार्केट वैल्यू को उसकी एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। तो इसकी मार्केट वैल्यू को इसकी एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा और इस कॉस्ट पे इंडेक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा है। वैसे हम दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट इससे होगा। सबसे पहले लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेज। तो देखिए सेल्स कंसीडरेशन है हमारे पास 70 लाख, लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस है 5% ऑफ सेल प्राइस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना है? 5% ऑफ सेल प्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास इनकम थी कितने की? 70 लाख की आपकी ट्रांसफर एक्सपेंसेस है। इसका 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 3,50,000। 3,50,000 लेस कर दीजिए आप इसको इसमें से, तो 66,50,000 ये जो बचेगा ये नेट सेल कंसीडरेशन। क्या बच जाएगा? नेट सेल कंसीडरेशन 66,50,000। 70 लाख में से आपने लेस कर दिया 3,50,000। अब लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट क्यों? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट क्यों नहीं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स कॉस्ट हम लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों नहीं, इंडेक्स कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट इसलिए निकाल रहे हैं कि यदि कोई असेट्स 2 साल या उसके बाद बेची जाए तो हम उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट होगी। फिर से बोल रहा हूँ, यदि कोई लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप 2 साल के बाद बेच रहे हैं तो उस पर जो भी कैलकुलेशन होगी वो किसकी होगी, सेल कब किए इन्होंने, अप्रैल। तो 2 साल के बाद अगर हम सेल करेंगे तब तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म, और 2 साल से पहले ही अगर हम सेल कर देते तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते। जैसा कि देखिए थर्ड केस में, देखिए आपने थर्ड में 2017 को असेट्स परचेज किए, परचेज कब की है, थर्ड में 2017। अब थर्ड में 2018, एक साल कंप्लीट हो गया, 12 मंथ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए थर्ड में 2018 से थर्ड में 2019, ये मार्च नहीं है, मई है। अब थर्ड में 2019 से पहले ही आपने असेट सेल कर दी, परचेज तो कब की, थर्ड में 2017 को 12 लाख की, लेकिन आप सेल कब कर रहे हैं, 12 अप्रैल 2019 को, तो मार्च मई से पहले ही सेल कर दी, तो इस केस में आपने बिफोर 12 मंथ, यानी कि अभी 12 महीने हुए ही नहीं, केवल 11 महीने ही हुए हैं, यानी कि 23 मंथ में ही आपने इस असेट्स को सेल कर दिया है थर्ड केस में। फिलहाल हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स कॉस्ट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने जो असेट्स है उसको 24 मंथ के बाद सेल किया है, और जब भी 2 साल के बाद असेट सेल करेंगे आप, तो आप इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, और जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आ जाती है 5 लाख, मार्केट वैल्यू ले रहे हैं हम, मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जो असेट्स है 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की है, बिफोर 2001। अगर कोई असेट्स 2001 से पहले परचेज करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। तो 2001 का जो इंडेक्स है वो मैं आपको बता दूँ 100 है, ये आप याद रखना, 2001 का जो इंडेक्स है वो कितना है 100, तो 100 का डिवाइड करेंगे क्योंकि 2001 का इंडेक्स है, यहाँ पे कॉस्ट आपने कौन सी ली है 2001 की, और मल्टीप्लाई करेंगे सेल ईयर के इंडेक्स से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेल ईयर का इंडेक्स। मैंने आपको बताया था इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर आपको इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इंडेक्स कॉस्ट, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई बाय सेल ईयर इंडेक्स, जिस साल आपने सेल की उस साल के इंडेक्स से। तो सेल हमने कब की है 2019-20 में, कब कैलकुलेट किया आपने 2020 और 21 में, हम असेसमेंट कर रहे हैं 2020 और 21 में असेसमेंट कर रहे हैं, और इससे ठीक 1 साल पहले की इनकम, यानी कि जब भी हम इसमें इनको कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, इस पीरियड में जो भी इनकम हमने कमाई होगी, देखिए असेसमेंट ईयर 2020 और 21 का क्या मतलब है कि 20 और 21 में जिस भी इनकम पे हम कैलकुलेशन करेंगे इनकम टैक्स की, या उसका इनकम कैंप्यूटेशन करेंगे, तो ठीक 1 साल पहले की इनकम देखेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2019 टू
31 मार्च 2020 की। इसे फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, इसे फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन होगी, इसलिए 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 के बीच में जो भी एसेट सेल की होगी उसी का कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस पीरियड के बीच में ये असेट सेल की है तो इसका सेल कंसीडरेशन आ गया, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस आ गए, इंडेक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस ईयर का जो इंडेक्स है उसके बारे में, तो इस ईयर का इंडेक्स मैं आपको बता देता हूं, ये है आपके 289। इस ईयर का इंडेक्स कितना है? 289। फर्स्ट अप्रैल 2019 टू 31 मार्च। तो ये दो ईयर आपको कम से कम याद रखने पड़ेंगे। कौन से? एक तो 2001 का इंडेक्स क्या है? 2001 का इंडेक्स हमेशा याद रखिएगा 100 होता है, क्योंकि जनरली ये बुक में गिवन नहीं होगा। और करंट ईयर, जिस ईयर में आपने सेल की है, इस पूरे क्वेश्चन में जब भी हम सेल करेंगे इस साल, तो इसी साल सेल करेंगे, यानी कि 2019-20 में, क्योंकि 20 और 21 में तो क्या होगा? असेसमेंट। भाई पिछले साल जो इनकम कमाई उस पर हम इस साल टैक्स देंगे, तो असेसमेंट जो होगा वो इस करंट ईयर में होगा। और कौन सी इनकम का असेसमेंट होगा? जो प्रीवियस ईयर में हमने अर्न किया है। तो प्रीवियस ईयर में हमने सेल करेंगे यानी कि अर्न किया है, तो जाके इस साल हम उसका टैक्स देंगे। तो देखिए, करंट ईयर में यानी कि 2019 और 20 का जो इंडेक्स ये है वो है 289। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 289, ये हो जाती है 14,45,000। ये आ गई इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब लेस कर देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, 66,50,000 में से आप लेस कर दीजिए तो ये 52,05,000, ये आपके ग्रॉस कैपिटल गेन आ जाता है। इसमें से लेस कर दीजिए एग्जम्पशन। एग्जम्पशन इस क्वेश्चन में है नहीं, तो 52,05,000 ये जो आया है इसे हम कहेंगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों कहा? क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, और इंडेक्स कॉस्ट क्यों कैलकुलेट किए? क्योंकि असेट्स को 2 साल के बाद सेल किया गया है, तो 2 साल के बाद अगर लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया जाएगा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर इसे पहले सेल कर दिया जाता, 2 साल से पहले ही सेल कर दिया जाता, तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी होती। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड पॉइंट की, यानी कि बी पॉइंट की। ये हमारा ए पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब बी पॉइंट में हम देखें तो क्वेश्चन हमारे पास सेम है, लेकिन कुछ चेंजेज है। चेंजेज क्या है? इफ़ द पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड ऑन 10th मार्च 2008। अब 10th मार्च 2008 को परचेज किया गया है, क्या एज्यूम करना है? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन सेल प्राइस सेम रहेगा 70, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऐसे ही कैलकुलेट होगी, ये सब तो यहीं पे लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ये सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो चेंजेज आएगा वो यहाँ पे इस तरफ से आएगा। सेल कंसीडरेशन में कोई चेंज नहीं है, सेल्स कंसीडरेशन वही 70 लाख है, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज भी सेम ही है 3,50,000, यानी कि 5% जो सेल प्राइस है 70 लाख उसका 5% यानी कि 3,50,000, तो एनएससी जो हो जाता है नेट सेल कंसीडरेशन वो हो जाता है 66,50,000।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपने असेट्स कब परचेज किए। तो बी पॉइंट हमारा कह रहा है इफ द पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज ऑन 10th मार्च 2008, तो 10th मार्च 2008 में परचेज किया है, इसके 2 साल कब पूरे हो जाते हैं, और आपने सेल कब किया है, तो देखो सेल आपने किया है 12 अप्रैल 2019, ये परचेज ईयर है, परचेज ईयर, और सोल्ड कब किया है आपने, 12 अप्रैल 19, यहाँ पे आपने सेल किया है, यानी कि आपको लगभग 10 ईयर्स हो गए हैं। कितने ईयर हो गए हैं, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद सेल किया है आपने, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर 2 साल के बाद आप सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, और 2 साल से पहले अगर आप असेट सेल कर देते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम 2 साल के बाद असेट सेल कर रहे हैं तो इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, आपने कब परचेज किया है, 2008, तो ये ईयर कौन सा हो गया, मार्च में है, अप्रैल के बाद होता, अगर अप्रैल 2008 के बाद होता तो ये ईयर होता 2008 और 9, लेकिन अप्रैल से पहले ही आ गया यानी कि मार्च 2008 है, तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 2007 और 8 में, तो यहाँ पे ईयर लेंगे 2007 और 8। अब इसकी इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में ख़रीदा आपने, तो आपने 3 लाख में ख़रीदा है, तो 3 लाख रुपीज़ इसकी परचेज प्राइस बनी जाएगी। अब इंडेक्स कितना है 2007-08 का, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 2007-08 का इंडेक्स है 129, कितना है 129, और सेल ईयर का इंडेक्स, देखिए सेल ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो सेल ईयर का इंडेक्स है आपके 289, तो 3 लाख में आप डिवाइड कर दीजिए 129 को, मल्टीप्लाई कर दीजिए 289 से, तो आपके पास कॉस्ट आ जाती है 6,72,093। इंडेक्स कॉस्ट आपको गिवन नहीं है, इम्प्रूवमेंट कोई कॉस्ट है नहीं आपके पास, तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट नहीं है तो नील लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 66 में से इसको लेस कर दीजिए, तो 66,50,000 माइनस कर दीजिए आप 6,72,093, तो 59,77,907, ये आपके कैपिटल गेन आ जाता है, एग्जम्पशन कुछ है नहीं है हमारे पास, तो एग्जम्पशन लेस करने के बाद आपका जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है वो सेम आ जाता है 59,77,907। ये आपके पास कैपिटल गेन हो जाता है सेकंड सिचुएशन में, यानी कि सिचुएशन बी में, यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि असेट्स को आपने 2 साल के बाद ट्रांसफर किया है। अब थर्ड केस हम देखते हैं, थर्ड केस में देखिए इंडेक्स कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है 2 साल से पहले ही सेल कर दी है, तो यहां पे इंडेक्स कॉस्ट की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए द पीस ऑफ लैंड वाज रुपीज वाज परचेज्ड ऑन 3rd May 2017, तो देखिए 3rd May 2017 ये परचेज किया आपने, परचेज ईयर, अब आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद बेचे, यानी कि कब बेचें, 3rd मार्च है क्या, 3rd मई है, सॉरी
थर्ड में 2017 को आपने परचेज किया, तो थर्ड में 2017 के बाद 18, 18 के बाद 19, थर्ड में 2019 के बाद, यहाँ पे इसके दो साल पूरे हो रहे हैं थर्ड में 2019, तो थर्ड में 2019 के बाद अगर आप सेल करेंगे तब तो ये हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर थर्ड में 2019 से पहले ही आपने सेल कर दिया तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी। तो हमने सेल कब किया है, तो हमने जो सेल किया है वो आप देखिए 12 अप्रैल 2019, हमने ये जो पीस ऑफ लैंड है ये कब सेल कर दिया, हमने सेल कर दिया सोल्ड ऑन 12 अप्रैल 2019, यानी कि इस डेट से पहले ही, तो दो साल पूरे होने से पहले सेल कर दिया। तो इस कंडीशन में हमें जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में इंडेक्स का यूज नहीं करते। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेस करेंगे और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लॉस करेंगे, लेस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जितने में हमने खरीदा उतना लेस कर दीजिए, तो हमने खरीदा कितने में है, हमने खरीदा था इसको 12 लाख में, तो सीधा सीधा 12 लाख रुपीज़ जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम लेस कर देंगे। इंडेक्स यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, और क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि असेट्स को हमने दो साल से पहले ही सेल कर दिया है, और दो साल से पहले सेल करने पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं, उसका इंडेक्स हम यूज़ नहीं करते। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट गिवन नहीं है आपको, तो इस केस में आपके पास 66,50,000 में से लेस कर दीजिए आप 12 लाख, तो 54,50,000 ये आपका कैपिटल गेन आ जाता है। एग्जम्पशन इसमें कुछ है नहीं है, तो 54,50,000 ये आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म क्यों होगा, क्योंकि हमने इंडेक्स यूज़ नहीं किया और असेट्स को दो साल से पहले ही सेल कर दिया, दो साल कंप्लीट होने नहीं दिए, तो दो साल कंप्लीट होने से पहले सेल कर देते हैं तो इंडेक्स का यूज़ नहीं करते हैं। ये बात आपको अब निश्चित रूप से मालूम होगी, इसीलिए हम क्वेश्चन समझा रहे हैं जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम चलती जाएँ, और आप इनको एक रफ कॉपी में या एक मेन नोट कॉपी बना लें जिसमें आप ये नोट लिखते जाएँ। तो अब इस तरीके से ये सी पॉइंट जो था आपका ये भी क्लियर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई आपकी, इसमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी इसीलिए हमने कोई इंडेक्स काम में नहीं लिया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 ले रहे हैं, तो इसका मतलब इससे ठीक एक साल पहले, जस्ट बिफोर ईयर, तो इससे बिफोर ईयर कौन सा हो जाता है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2019। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी इनकम होगी उसी पे आपको टैक्स कैलकुलेशन करना होगा, ना तो इसके बाद वाली इनकम लेनी है और ना इससे पहले वाली इनकम लेनी है। इस ईयर में 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इसके बीच में आपने जो भी अर्निंग की होगी उस पे आपको टैक्स और इनकम कैलकुलेट करनी है, उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है और उसका टैक्स भी कैलकुलेट करना होगा। तो फिलहाल हम इस ईयर से रिलेटेड जो भी कैपिटल गेन की इनकम है वही कैलकुलेट कर रहे हैं और उससे आगे वही करेंगे। इस चैप्टर में हमें यही करना होगा, फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और नए सॉल्यूशन के साथ।